दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। मोबाइल झपटमारी करने वाले एक शख्स को पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान लोनी के इलायचीपुर निवासी संदीप के रूप में हुई है। वह झपटे गए मोबाइल को दरियागंज इलाके के तुर्कमान गेट में रहने वाले मोहम्मद खालिद को बेच देता था। स्पेशल स्टाफ ने उसे भी दबोच लिया है। चोरी के मोबाइल असम के दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर बेच दिए जाते थे। इनके कब्जे से 24 मोबाइल बरामद हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी से झपटमारी के 7 और चोरी के 13 मामले सुलझ गए हैं। हाल के दिनों में पूर्वी जिले में मोबाइल फोन को निशाना बनाकर स्नैचिंग, रॉबरी और जेब काटने की वारदातें सामने आ रही थी। इन अपराधियों को पकड़ने का काम स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को सौंपा गया था। मोबाइल झपटमारों को पकड़ने के लिए वेद प्रकाश ACP ऑपरेशंस की देखरेख में और स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर सत्येंद्र खरी के नेतृत्व में SI अरविंद कुमार, SI निहित फोगट, SI शैलेश, SI नीरज, SI प्रमोद, हेड कांस्टेबल कैलाश यादव, हेड कांस्टेबल कपिल नगर, कांस्टेबल रवि और कांस्टेबल विवेक की एक टीम बनाई गई। टीम ने मुखबिरों का जाल फैलाया, क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम को एक्टिवेटेड किया गया और हाल ही में जेल से बेल आउट हुए क्रिमिनलों की लिस्ट बनाई गई और इसके साथ ही चोरी का मोबाइल खरीदने वाले सस्पेक्ट लोगों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। पुलिस टीम की मेहनत रंग लाए। टीम को अपने मुखबिरों से सूचना मिली कि बड़ी संख्या में चोरी के मोबाइल असम भेजे जा रहे हैं। टीम संदीप नामक एक स्नैचर को आइडेंटिफाई करने में कामयाब रही, जो कि पूर्वी जिले में स्नैचिंग कर रहा था। एक टीम चोरी हुए मोबाइल फोन के IMI नंबरों से इन्फॉर्मेशन जुटा रही थी। टेक्निकल सर्विलांस से टीम को पता चला कि ज्यादातर छीने गए फोन असम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चोरी के मोबाइल असम में ठिकाने लगाने वाले रूट को ट्रैकआउट किया गया, जिसमें एक खालिद नामक व्यक्ति को जीरो पॉइंट किया गया। लगभग एक महीने तक टेक्निकली और मैनुअल तरीके से नजर रखकर सो कॉल्ड क्रिमिनल्स की एग्जैक्ट लोकेशंस का पता लगाने में आखिरकार टीम को कामयाबी मिल ही गई। 19 जुलाई को टीम ने ASI शैलेश की सूचना पर स्नैचर संदीप की लोकेशन का पता लगाकर उसे दबोच लिया। गिरफ्तार स्नैचर संदीप के कहने पर चोरी के मोबाइल ठिकाने लगाने वाले आरोपी खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। इंटरोगेशन में आरोपी संदीप ने खुलासा किया कि वो अपने साथियों की मदद से मोबाइल फोन को टारगेट बनाकर स्नैचिंग करता था। वो खालिद के संपर्क में आया। खालिद ने उसे चोरी के और मोबाइल फोन लाने के लिए कहा। खालिद ने इंटरोगेशन में बताया कि टेक्निकली रूप से फंसने से बचने के लिए वो चोरी के मोबाइल असम के गांव में ठिकाने लगा देता था। आरोपियों ने कबूल किया कि दोनों पिछले कई महीनों से साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों ने मिलकर दर्जनों चोरी के मोबाइल ठिकाने लगा दिए हैं। 28 वर्षीय आरोपी संदीप पुत्र पवन लोनी गाजियाबाद में सिद्ध बाबा मंदिर विनोद का मकान रामपाक सुंदर गार्डन इलचीपुर का रहने वाला है। यह स्कूल ड्रॉप आउट है। संदीप स्कूल टाइम से ही जल्दी पैसा कमाना चाहता था और छोटे मोटे क्राइम करने लगा, लेकिन जल्द ही उसने अपराध की दुनिया में ग्रेजुएशन कर लिया और स्नैचिंग करने लगा। संदीप को करावल नगर थाना पुलिस ने 3 बार और ज्योति नगर थाना पुलिस ने 1 बार अलग अलग मामलों में गिरफ्तार भी किया है। चोरी के मोबाइल ठिकाने लगाने वाला 40 वर्षीय आरोपी मोहम्मद खालिद पुत्र मोहम्मद गयास मकान नंबर 1728 गली इमली वाली सुईवाल तुर्कमान गेट चांदनी महल पुलिस स्टेशन के पास दरियागंज दिल्ली का निवासी है। पहले यह लाल किले के पास एक चाय बेचता था। इसी दौरान यह मोबाइल फोन चोरी, स्नैचिंग व डकैती डालने वाले अपराधियों के संपर्क में आया। इसने अपराधियों से चोरी का मोबाइल खरीदकर लाल किला और आसपास के भीड़भाड़ वाले बाजारों में राह चलते राहगीरों को बेचना शुरू कर दिया। चोरी के मोबाइल बेचते समय इसकी मुलाकात असम के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई। उसने चोरी के मोबाइल कुरियर के माध्यम से असम भेजने का आइडिया सुझाया। आइडिया देने वाला असम निवासी व्यक्ति पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और चोरी के एक मामले में सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन नोएडा में गिरफ्तार भी हो चुका है। यही व्यक्ति असम के गोलपारा जिले के निवासी जियारुल नामक व्यक्ति को चोरी के मोबाइल बेचता था। उसे पकड़ने और चोरी के मोबाइल फोन बरामद करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम रवाना हो चुकी है।
खबर दिखाए जाने तक गिरफ्तार आरोपियों से चोरी, लूटपाट व झपटमारी के 24 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। आगे की तहकीकात जारी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।